हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे द्विघात समीकरण एक्सरसाइज 4.4। कल आपके क्वेश्चन नंबर पहला दूसरा कंप्लीट हो गया था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। कहा गया, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। बच्चों देखिए, यहाँ पर लंबाई कहा गया है, चौड़ाई की दो गुनी है, तो मान लेते हैं चौड़ाई बराबर एक्स मीटर, माना चौड़ाई बराबर एक्स मीटर, तो इसकी लंबाई कहा गया है, जो लंबाई है वो चौड़ाई की दो गुनी है, यानी कितना आ जाएगा आपका 2x मीटर कहा गया है। बच्चों अब इसका क्षेत्रफल कहा गया है, इसका क्षेत्रफल दे रखा है 800 मीटर स्क्वायर है, यानी कि क्षेत्रफल इक्वल टू लंबाई इंटू चौड़ाई। क्षेत्रफल आपका दे रखा है 800, लंबाई आपकी निकली 2x और चौड़ाई निकली x, यानी कि 800 उल्टा आ जाएगा 2x स्क्वायर, यानी कि 800/2 बराबर एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर उल्टा आ जाएगा आपका 400। अब देखिए इसका वर्गमूल लेंगे दोनों पक्षों में, x बराबर प्लस माइनस आ जाएगा 20, 400 का जो वर्गमूल होगा वो 20 होगा। अब x क्या है, यहाँ पर चौड़ाई है, चौड़ाई कभी ऋणात्मक नहीं होती है, इसलिए यहाँ पर चौड़ाई होगी जाके चौड़ाई x बराबर 20 मीटर। समझ में आ गया। अब यहाँ पर लंबाई दे रखा आपका 2x, यानी 2 इंटू एक्स वैल्यू 20 दे रखा है, यानी कि आ गया है 40 मीटर। यह आपका आंसर हो गया है, लंबाई निकली है 40 मीटर है और चौड़ाई निकली है आपका 20 मीटर है। ठीक बच्चों, अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। कहा गया, क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। कहा गया दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, दो मित्र हैं उनकी आयु का योग 20 वर्ष है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल 48 था। तो मान लेते हैं दो मित्र हैं, तो एक की आयु x वर्ष है तो दूसरे की हो जाएगी 20-x वर्ष, माना पहले मित्र की आयु बराबर एक्स वर्ष दूसरे मित्र की आयु बराबर 20-x वर्ष। अब क्वेश्चन कहा गया है 4 वर्ष पूर्व, तो 4 वर्ष पूर्व निकाल लेते हैं आयु क्या होगी, 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु, 4 वर्ष पूर्व आ गया है तो x माइनस का 4 वर्ष ये हो जाएगा आपका। अब 4 वर्ष पूर्व दूसरे मित्र की आयु हो जाएगा आपका 20-x माइनस का 4 आ गया 16-x वर्ष। अब आते हैं प्रश्न अनुसार, प्रश्न अनुसार
कहा गया है 4 वर्ष पूर्व, कहा गया है 4 वर्ष पूर्व उनके आयु का जो गुणनफल है वो 48 है, यानी कि एक्स माइनस 4 इंटू 16 माइनस एक्स इक्वल टू आपका क्या 48 आ गया है, और मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 16 एक्स माइनस का 16 इंटू 4 आ जाएगा 64, फिर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका 4x इक्वल टू 48, यानी कि माइनस का एक्स स्क्वायर और 16x प्लस का है और 4x भी प्लस का है, प्लस को हो जाएगा 20x माइनस का 64 इक्वल टू 48, उसको ट्रांसफ़र करेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 20x प्लस 64 प्लस का 48 इक्वल टू 0, आ गया एक्स स्क्वायर माइनस का 20x प्लस 8 4 हो गया 12 हो जाएगा, कैरी 1 आ जाएगा 6 4 10 10 1 11, यानी 112 इक्वल टू 0 आ गया है। बच्चों ये द्विघात समीकरण आपको प्राप्त हो गया है। अब हम इसका विविधकर निकालेंगे, संभव है कि नहीं, इसकी तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से तुलना करने पर हमको प्राप्त होगा a इक्वल टू 1, यहाँ से b इक्वल टू मिलेगा माइनस का 20 और c इक्वल टू मिलेगा 112 और d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब b को वैल्यू है माइनस का 20 का होल स्क्वायर माइनस का 4, a को वैल्यू 1 है और c को वैल्यू 112 है, ये आपको आ गया 400 माइनस का 4 इंटू 2 8 यानी 444, यानी कि माइनस का 48। तो बच्चों यहाँ पर जो d की वैल्यू आ गई है ये माइनस की आ गई है, इसलिए इसका वास्तविक मान जो होगा संभव नहीं है, यानी d इस लेस देन 0, जो मूल होंगे इसके वास्तविक नहीं है, वास्तविक नहीं है। तो बच्चों यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है क्या निम्नलिखित संभव है, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, चूँकि डी लेस देन 0 है इसलिए स्थिति संभव नहीं है, इसलिए निम्न स्थिति संभव नहीं है, ये आपका आंसर आ गया है, ठीक है ना। आप बच्चों इसको स्क्रीनशॉट भी आप इसकी भी ले सकते हैं। अब बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर के एक पार्क को बनाना संभव है, यदि है तो इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। बच्चों यहाँ पर क्षेत्रफल दे रखा है 400 मीटर दे रखा है और परिमाप दे रखा है 80 मीटर दे रखा है। मान लेते हैं, माना लंबाई है वो एक्स मीटर है, हम जानते हैं क्षेत्रफल बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई, और क्षेत्रफल दे रखा है यहाँ पे 400, लंबाई एक्स हो गया और यहाँ पे चौड़ाई, तो चौड़ाई बराबर 400 बटे एक्स मीटर आ गया है।
यानी चौड़ाई कोई लोगों को मिल गई है। अब परिमाप बराबर दो, लंबाई प्लस चौड़ाई, और परिमाप इसमें दे रखा है क्वेश्चन में 80 मीटर दे रखा है, यहाँ हो जाएगा आपका 80, दो हो जाएगा, लंबाई हमने एक समानी है और चौड़ाई हमारी निकली है 400/x, ठीक। इसको इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, हो जाएगा आपका 80/2, और यहाँ एलसीएम ले लेंगे, आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 400/x, इसको काट देंगे, कैंसिल कर देंगे, हो जाएगा 40 = x² प्लस 400/x। इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 400/40 एक्स हो जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस का 40x प्लस 400 = 0 हो जाएगा। ये आपका द्विघात समीकरण प्राप्त हो गया है, तो इसलिए इसकी तुलना हम ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर करेंगे, तो a = मिलेगा 1, b = माइनस का 40 मिलेगा और c = 400। अब विव्युतीकर निकालेंगे, विव्युतीकर d = b² - 4ac, तो b को वैल्यू है माइनस का 4, t का स्क्वायर माइनस का 4, a = 1, c = आपका 400 आ गया, आ जाएगा 1600 माइनस का 1600 कैंसिल हो गया, = आ गया 0, यानी d = आपका 0 है, यानी जिसके जो मूल होंगे बराबर और वास्तविक। यानी कि इसकी लंबाई और चौड़ाई हम ज्ञात कर सकते हैं, तो इसलिए x = सिद्धाचार्य द्वारा माइनस का बी प्लस माइनस √b² - 4ac/2a, तो x = माइनस और b को वैल्यू माइनस का 40 है, प्लस माइनस और इसकी वैल्यू निकली है b² - 4ac, वैल्यू हमारी निकली है 0/2, और एक वैल्यू निकली है 1, तो ये आ जाएगा आपका 40/2 = 20, यानी x वैल्यू 20 हमारी निकल आई है। अब हम लोग आगे देखते हैं, इतना आप लोग बच्चों स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इतना यानी जो लंबाई है, लंबाई बराबर x मीटर है, तो लंबाई बराबर x वैल्यू निकाली है आपकी, x वैल्यू बच्चों यहाँ पे 20 निकली है, यानी कि 20 मीटर, और चौड़ाई निकली थी आपकी, ₹400/x, यानी कि 400/20, कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 20 मीटर, ठीक बच्चों, यानी कि लंबाई आपकी 20 मीटर है और चौड़ाई भी आपका 20 मीटर है, ये आपके आंसर आ गया है, ठीक ना। आज का वीडियो बस यहीं तक है।